उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने ही स्टाइल में चिकन टिक्का राइस बनाना सिखाऊंगी। एंड तक देखना, बन की तरफ आते हैं। 1.5 किलो मैंने चिकन ली है। जितना चिकन होगा उतना ही दही इसमें जाएगा और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ही बनेगा। 1.5 किलो चिकन है, 1.5 किलो दही है, 1/2 कप ऑयल ली है, 2 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून सूख मिर्च है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून जीरा है, 2 टेबल स्पून अदरक को चॉप कर लिया मैंने और ये थोड़ा सा फूड कलर लिया है। 3 स्टेप है, 3 स्टेप में नमक ऐड होगा, इसलिए हर स्टेप में एक मुनासिब नमक लेंगे कि टेस्ट परफेक्ट। दही ऐड करूँगी, 1.5 किलो का 1.5 किलो दही ये जो चिकन टिक्का राइस हम बनाएंगे इसमें जाएगा, साथ ही इसमें चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और बाकी जो सब मसाले हैं ये सब कुछ इसमें ऐड करते हैं। बहुत ही कम टाइम लगता है और एक यमी और यूनिक रेसिपी, सब बिरयानियों को आप भूल जाएंगे, ये इतनी यमी रेसिपी बनेगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसको हम चूल्हे पे रख देते हैं। हमारा बहुत अच्छे से पक रहा है और जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो हमारी चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हमारा अच्छे से पक गया है, कोयला अच्छे से हीट अप हो गया था, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के कोयले का दम चिकन को देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक्का राइस जो मैं बना रही हूँ इसके सेकंड स्टेप की तरफ हम चलते हैं, ये इसकी सॉस रेडी होगी। 1 किलो मैंने टमाटर लिए है, 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, ये मैंने कोयले का छोटा सा पीस लिया है। इसको जब हमारी चटनी अच्छे से कुक हो जाएगी तो फिर इसको दम लगाएंगे। 10 से 12 तक मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून के कलौंजी ली है और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया। फिर मैं बताऊं कि आपको नमक हम मुनासिब रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन लिया, सबसे पहले इसमें टमाटर ऐड करेंगे, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा, टमाटर का जो अपना पानी होता है वही पानी होगा। नमक ऐड करेंगे, कलौंजी, सब्ज़ मिर्चें भी ऐसे साबुत ही डालनी है आपने, और साथ ही इसमें ऑयल ऐड करके, तो इसको भी मैं चूल्हे पर रख दूँगी पैन को। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, सॉस है वो बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर कोयले को अच्छे से गर्म करके तो इसको फिर हम कोयले का दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को अच्छे से गर्म हो चुका था, थोड़ा सा इस पर ऑयल डालूंगी और साथ ही इसको दम पे रख देंगे। थर्ड स्टेप की तरफ आऊँगी। फर्स्ट स्टेप में मैंने चिकन रेडी किया है, सेकेंड में चटनी, अब इसके चल जो टिक्का राइस है उस राइस की तरफ हम आते हैं। ये 1.5 किलो चावल थे, उनको मैंने धो के भिगो दिया। ये मैंने 1.5 किलो चावलों के हिसाब से यखनी ली है। अगर आपके पास यखनी ना हो तो आप चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 1 बादियान का फूल है, जलबत्री का छोटा सा पीस है, 1 टीस्पून जीरा है, 3 छोटे छोटे दालचीनी के पीस हैं, 2 मोटी इलायची, 10 से 12 दाने काली मिर्च के और 4 लौंग हैं, और टमाटर लिए हैं रफली चॉप कर लिए, अदरक रफली चॉप कर लिए, ये गार्निशिंग के लिए, आधा अदरक और आधा टमाटर मैं चावलों में ऐड करूँगी और बाकी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चावल रेडी करेंगे, ऑयल अच्छे से गरम कर लिया, अब बस मसाले, नमक नहीं ऐड करूँगी, नमक मैंने यखनी में ऐड कर दिया मैं, तो इसलिए नमक ऐड नहीं करेंगी। जैसे थोड़ा सा फ्राई होता है तो उसमें यखनी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यखनी करेंगे, थोड़े से टमाटर ऐड करेंगे और जैसे बॉयल आता है फिर इसमें बॉयल ऐड करते हैं। चावल को ऐड कर दिए, जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो फिर इसको मैं दम पे लगाऊंगी, फिर डिश आउट करके फिर आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से चिकन टिक्का राइस जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ज़रूर इस डिश को ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।